नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दोस्तों जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी आज मॉर्निंग में, और इससे पहले कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप बाजार में पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं, साथ साथ कुछ स्टॉक रिकमेंड करे थे। कल की स्पेशल एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें बताया था कि कुछ स्टॉक ऐसे बताने वाला हूं जिसमें आप आज के दिन ट्रेड करके मुनाफा कर सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको ऑप्शन चेन भी बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आते हैं, कहते हैं ऑप्शन चेन भी हमें बताया करो, ऑप्शन चेन को रीड कैसे करते हैं वो भी बताया करो। तो मैं आज की वीडियो में सारी चीजें कवर करूंगा, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के साथ साथ आपको आईसीआईसीआई बैंक और कुछ स्टॉक्स इससे रिलेटेड मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले सबसे पहले निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा, निफ्टी अभी फिलहाल क्या कह रही है, किस तरीके से निफ्टी में काम हो सकता है वो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट पे। अब निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 18,642 का, और आपको पता है कि आज बाजार ने अगर इंटरडे की बात करें तो बाजार ने आज का जो लो बनाया है वो कल के लो के ऑलमोस्ट सेम ही बनाया है। कल का जो लो बना था निफ्टी में वो 18,591 का था, और आज का जो लो बना है वो 18,582 का है, और सिर्फ तो देखा जाए तो वहीं से ही रिकवरी आई है। यानी कि बाजार में अगर बात करें निफ्टी में तो 18,590 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो अगर कल के दिन बाजार 590 का लेवल ब्रेक करता है तो वहां से पोजीशन शॉर्ट बन सकती है। और वैसे भी दोस्तों कहना चाहूंगा कि जो पैटर्न्स बने थे अभी हाल फिलहाल में, जो सेलिंग के पैटर्न्स बने थे उसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट तो देखने मिली है, बट फिर भी 18,590 का इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है, उसका दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ मैं चार्ट दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो 43,140 के आसपास है, और बैंक निफ्टी भी अभी क्या कर रहा है, ऊपरी लेवल पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूँ तो वो ये है कि बैंक निफ्टी अभी ये देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे अपट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, और थोड़ा सा चार्ट पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये जो है बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है ये बाजार का पूरा कंसोलिडेशन लेवल है, इसको बिल्कुल आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, और आपको बताना चाहूंगा कि ये कंसोलिडेशन लेवल तो है ही, और साथ साथ यहाँ पे इस जगह पे क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार में सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये अब बाजार अप ट्रेंड में चल रहे हैं बैंक निफ्टी का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है और यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो क्या यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, मुझे लग रहा है कि फॉल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो बाजार अब ये जो अप ट्रेंड लाइन है वहां से बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, अपने ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी ये वाली एक्सपायरी जो है वो नीचे हो सकती है। कल वेडनेसडे फिर थर्सडे है, दो दिन बाजार में बचे हैं, तो मुझे लग रहा है कि दो दिन में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो किस स्ट्राइक पे काम करना है, कैसे काम करना है वो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो मैं आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, बैंक निफ्टी का जो अभी फ्यूचर प्राइस है वो है 43,257 के आसपास, राइट। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा समझेंगे और समझ के काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी बैंक निफ्टी 43,300 की अगर हम पुट लेते हैं तो 223 का इसका प्राइस है, यानी कि प्रीमियम इसका चल रहा है 223 रुपये के आसपास। तो यहाँ से 5,000 रुपये के आसपास का आपका रिस्क रहेगा, 5,000 एक 200-300 रुपये के आसपास, मैं मोटा मोटा 5,000 मान के चलता हूँ। तो 5,000 का रिस्क आपका रहेगा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते, क्योंकि मैंने बताया कि अभी सेलिंग का कारण क्या है, और उसके बाद और इसका डेल्टा भी चल रहा है 0.53 के आसपास है। और अगर बैंक निफ्टी अगर क्लोज करता है 43,000 के आसपास या 42,000 के आसपास आएगा तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा पैसा बना सकता है। बट अगर आप बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं 43,500 के आसपास का, क्योंकि इसमें ब्रेक इवन को भी समझना काफ़ी जरूरी है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बस मैंने क्या करा जी, मैंने 43,300 की अगर मैं पुट ले लेता हूँ, 223 रुपये का प्रीमियम है, अगर बाजार इसके नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा। नहीं, दो दिन अभी बचे हैं, और दूसरी बात क्या है, इसका ब्रेक इवन भी समझना काफी जरूरी है। तो इसका ब्रेक इवन जो पड़ेगा वो एग्जैक्टली 43,000 में से 223 माइनस कर देंगे तो आपका वही 43,000 कुछ 75 के आसपास का इसका क्या आएगा, ब्रेक इवन आएगा।
तो 43,075 का इसका ब्रेक इवन है। इसका ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। बट अगर मैं आप बोलेंगे जी यार फिर तो मजा नहीं आएगा, अगर मान लो नहीं गिरा तो नुकसान भी होगा, हाँ बिल्कुल नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी पे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी पे आप जंप करेंगे तो बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी की वो है अगर हम देखेंगे तो 386 की। तो यहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो 5,000 की जगह 10,000 लग जाएगा, मान लो 10,000 से कम लगेगा, मैं मोटा मोटा 10,000 मान के चलता हूँ। तो 10,000 में आपको दोस्तों टाइम ज़्यादा मिल रहा है, आपको 7 ट्रेडिंग सेशंस मिल रहे हैं, और 7 ट्रेडिंग सेशंस में अगर बाजार नीचे आता है तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं आप। अब यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि भाई मेरा तो ब्रेक इवन 42,900 आएगा अगर मैं माइनस करता हूँ 386 का प्रीमियम यहाँ पे, बट आपको क्यों वेट करना है 42,900 का, अगर बाजार 43,100 आता है 43,000 आता है तो वहाँ पे भी आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एट द मनी पे काम करेंगे, पुट खरीदते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। बट देखो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस आप ही का होगा इसमें, क्योंकि मैंने तो यही पोजीशन बनाई है, तो मैं अपनी पोजीशन आपको आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ट्रेड बनाओ। बट मेरे हिसाब से इस पे काम करेंगे, इस पुट पे काम करेंगे, यानी कि स्ट्राइक प्राइस को चुनेंगे और साथ साथ ये प्रीमियम लेते हैं, और ये स्ट्राइक प्राइस अगर आप चुनते हैं तो पैसा आपका बन सकता है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी 40 निफ्टी की 18,000 मैं एग्जैक्टली और आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो एक पोजीशन मैंने निफ्टी में बनवाई हुई है, आप ये मत सोचना कि मैं उसको भूल गया हूँ, उसको नहीं भूला हूँ मैं, बिल्कुल 8 दिसंबर की है, और वो है दोस्तों 18,700 की पुट बाय कराई थी 90 रुपये पे, वो ऑलमोस्ट 150 हो गई थी, आज वो 84 के आसपास चल रही है, बट मेरे पास ये पुट अभी रखी हुई है, तो 2 दिन का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों कल के दिन हमने एक मैसेज आपको किया था और उसको बिल्कुल डिटेल में समझाया था और आपको बताया था कि भाई आप ट्रेड करें उसमें पैसा बनेगा, और वो था जी ICICI बैंक। कल हमने 934 पे आपको सेल कराया था ट्रिपल टॉप बोल के, और कल वीडियो भी बनाई थी जिसमें बताया था भाई ICICI बैंक में पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। तो ICICI बैंक का जी लो बन चुका है आज कितना लो बना है ICICI बैंक का, आज मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाया था किसी कारणवश, 920 रुपये का लो बन चुका है ICICI बैंक का, और कल हमने शॉर्ट कराया था, याद होगा आपको कल शॉर्ट पोजीशन बनवाई थी और बताया था भाई सेल करके चलेंगे पैसा बनेगा। थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में मैं इसको समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ये क्या है, इसका फर्स्ट टॉप था, यहाँ पे सेकंड टॉप बना और ये बन गया थर्ड टॉप, राइट। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, नेगेटिव डाइवर्जेंस, और साथ साथ ये यहाँ पे काम करा रहा था कल इस जगह पे, तो बताया था कि सेल कर सकते हैं। और दूसरा बात देखेंगे तो अभी जो क्लोजिंग करी है ICICI बैंक ने वो करी है, लो बनाया था 920 रुपये का आसपास लो बनाया था, और अगर देखेंगे तो ये जो अप ट्रेंड लाइन है इसको ऑलमोस्ट इसने क्या करा है, टच कर दिया है, राइट। क्या है, क्या करा है, इसको टच कर दिया। मैं और ज़्यादा थोड़ा सा और को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे ये क्या है, अप ट्रेंड लाइन है, उसके आसपास ही चल रहा है। तो कल के दिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर कल के दिन 920 रुपये के नीचे जाता है ये, ठीक है, 920 के नीचे काम कराता है, तो फिर इसमें एक शॉर्टफॉल और देखने को मिलेगा, और वहां से सीधा सीधा 901 रुपये के आसपास का टारगेट आपको ICICI बैंक में दिखाई देगा। तो आज मैंने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजे हैं आपको, और काफ़ी लोगों ने आज पैसा बनाया भी है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके, क्योंकि सुबह से ही हमने रिकमेंडेशंस दी थी टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा अगर आप पब्लिक चैनल देखते हैं तो पब्लिक चैनल तो काफ़ी किसी ने आज देखो प्रॉफिट है, देखो 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट है आज का, 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया किसी ने लिया है, वो 53,000 का प्रॉफिट है, 36,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले हैं, ये वो लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके पैसा बना रहे हैं। बट इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, जब तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तब तक ट्रेड आप नहीं बना पाएंगे। एक स्टॉक जल्दी से रिकमेंड करता हूँ, वो है इन्फोसिस। कल हमने रिकमेंड किया था आपको, शायद याद होगा, याद नहीं होगा तो याद दिला देता हूँ, कल हमने इन्फोसिस बोला था कि भाई अप ट्रेंड में चल रहा है, इवनिंग स्टार बन चुका है, सेलिंग बन चुकी है 1636 के बिलो, कल बताया था कि सेल करके चलिएगा, और जी 1613 की तो आज की क्लोजिंग हो चुकी है, और लग रहा है कि ये एक बार 1600 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्फोसिस में भी जिन लोगों ने पैसा बनाया तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके। तो यानी कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़ रहे हैं, पैसा आप बना रहे हैं। बाकी आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया था, कल मैं लाइव स्ट्रीम जरूर करूंगा, और कल भी आपको इंटरटेनमेंट ट्रेड करके पैसा बनवाऊंगा। और अगर आपने अभी हमारे पब्लिक चैनल को ज्वाइन नहीं करा, जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक आता है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ साथ कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर दूंगा। ये हमारा पब्लिक
चैनल है, इसमें हम मैसेजेस भेजते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो चार्ट में पैटर्न बनते हैं उसकी रिकमेंडेशंस हम यहाँ पे भेज देते हैं। साथ साथ हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसमें कुछ बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस देते हैं और ज्यादा से ज्यादा चार्ट भेजते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे ICICI बैंक में जो ट्रेड कराया था उसका प्रॉफिट बुक कराया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कराया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कराया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली आपको प्रॉफिट बुकिंग कराते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो ग्रुप है, एग्जैक्टली मैं इस ग्रुप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है, इसमें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम दे देते हैं, साथ साथ इसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ट भेजते हैं और इसमें जुड़ के डेली बेसिस पे लोग 5,000 से 6,000 का प्रॉफिट भी कर रहे हैं। बट इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, जब तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तब तक आप इस ग्रुप का बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, जैसे हमारी एक्यूरेसी है 70-80%, वो एक्यूरेसी आपको लेके आनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। ये हमारी दोस्तों क्या है, ये वेबसाइट है, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये वेबसाइट है हमारी chartanalysis.co.in, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ पे आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा जिसकी फीस 7,999 है, 28 वीडियोस, 10 आवर्स का कोर्स है, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है व्हेन टू बाय, कब खरीदना है, कब बेचना है, ठीक है, और मार्केट की डायरेक्शन क्या है ये बताता है। इसके साथ साथ ये आपको बताता है कि स्टॉप लॉस कब लगाना है, टारगेट कब लगाना है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मेरा जो 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। इसमें 28 वीडियोस, 10 आवर्स का कोर्स है। इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा सपोर्ट के लिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ साथ आपको पता है कि हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं जिससे आपको काफी बेनिफिट हो रहा है। बाकी जिन्होंने ऑप्शन का कोर्स लिया है, वो जिन्होंने टेक्निकल का कोर्स लिया है वो ऑप्शन में एक बार कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी उसके पे ऑफ जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक ऑप्शन में ट्रेड आप नहीं बना पाएंगे। तो टेक्निकल की हेल्प से आप डायरेक्शन ट्रेड ले और यहां से आप स्ट्रेटजी बनाएं, दोनों के कॉम्बिनेशन से काम करें, पैसा बनाएं। बाकी अगर आप चाहें तो 16,999 में टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों बहुत नॉमिनल है और आपको सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और जितने नए लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में, उनसे गुजारिश है वो टेक्निकल एनालिसिस से ही अपनी शुरुआत करें। बाकी दोस्तों दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों में से किसी भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको 10,000 की वर्थ की ई बुक्स और साथ साथ जो हमारे सेमिनार्स होते हैं उसका भी आपको हिस्सा बनाएंगे। तो आज दोस्तों मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बताया, ऑप्शन चेन के बारे में बताया, कुछ स्टॉक रिकमेंड करे जहां पे प्रॉफिट बुक करा है उसके बारे में बताया, और बाकी कल लाइव स्ट्रीम करूंगा, कल उसमें जुड़िए, कल भी दोस्तों आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके पैसा कमा के आपको दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।